अरे अन्ना हैंडसम ही से ना मल्लू का है अकबर भाई का भाई कैसा बड़ा साइज है। सुबह में इतना ज्यादा क्राउड रहता और गाड़ी वगैरह लाने का भी यहाँ पर सिस्टम नहीं रहता। बेहतरीन किलो रहता। तो मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे भाई कि रामनगर की फिश मार्केट का फिर से एक और बार वीडियो बनाओ। तो आज अपन फिर से आ गए रामनगर को। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। तो अब अपन पीछे जाके देखेंगे रामनगर में कौन कौन सी नई फिशेस आई और क्या क्या आइटम्स आए। तो अब चलते हैं अंदर मार्केट की तरफ। जी। क्या बोलो जी, बोलो क्या बोलते क्या बोलते बोलो एक बार सलाम बारा बोलो। अच्छी बात है। सलाम बारा बोलो। अच्छी बात है। तो देखो ये यहाँ पर अन्ना बेहतरीन बैठे हैं। मालूम बोलते उसका लाओ मेरे जी। इसका सूरज बता जी। देखो अरे अन्ना हैंडसम ही से ना मल्लू का है। अब यहाँ पर देखो ये कौन सी मछली अन्ना ये? जिल्ला बोलते हैं। जिल्ला नाम। हाँ जिल्ला जिल्ला जिल्ला। तो कैसा है ये किलो? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। तारीफ कराना यार, कम करना नहीं तो 80 रुपए किलो भाई। 80 रुपए किलो है ये। तो ये देख सकते हैं 80 रुपए किलो है ये। तो क्या बोले नाम? जल्ला 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 मच्छी। और क्या बोलते हैं? प्यासी मच्छी है क्या है यार? ये रोहू मच्छी है। ये कैसे है रोहू मच्छी? 120 है। 120 रुपए किलो है। अकबर भाई का भाई है ऐसा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा यह मार्केट स्टार्ट होता है। ये तीन लाइन है अंदर और ये ऐसा रोड साइड में भी रहता। अब यहाँ पर देखेंगे अपन बेहतरीन एकदम बड़े बड़े प्राउंस है ये। तो साइज देख सकते हैं आप कैसा बड़ा साइज है। कैसा है भाई ये? हाँ 250। कौन सा है ये? जैमिन। तो साइज भी देखो आप कैसा बड़ा है इसका। 350 रुपए किलो है। और ये कैसा है पम्पलेट? 50 रुपए। अरे उन्होंने 50 बोल रहे तो मस्ती बोल रहे क्या जी? तो ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी पम्पलेट है, ये 50 रुपए किलो है। और ये कैसे बड़े बड़े प्राउंस है ये, ये 350 रुपये किलो है। पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा इधर से वहाँ से लेके यहाँ तक का मार्केट रहता। सुबह में जो मार्केट का टाइमिंग रहता वो 4:30 बजे का टाइमिंग रहता, 4:30-4 बजे का ऐसा किलो का तोल का भी रहता, तोल के हिसाब से भी करके देते। और बड़े बड़े मछलियाँ भी रहते हैं। अब यहाँ पर छोटे साइज़ के प्राउंस है ये। ये कैसा है? 240। ये 240 रुपये किलो रहता है, देख सकते हैं आप प्राउंस। और वो पाम्पलेट, पाम्पलेट है वो कैसे है? तो ये 100 रुपये की पाम्पलेट रहती है, 100 रुपये किलो। तो यहाँ पर क्या रोज फ्रेश फ्रेश मच्छी आते रहती। दो मार्केट रहेंगे आपको। यहाँ पर देखो ये कौन सी है ये मच्छी? ये रोहू मच्छी है। ये कैसा है किलो भैया? 100 रुपये आज का प्राइस, 100 रुपये। और ये वाली कौन सी है? ये रूपचंद। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसा पूरी क्वांटिटी क्वांटिटी में रहती। अच्छा इसमें मिनिमम कितना लेना पड़ता है? 10 किलो। मिनिमम 10 किलो लेना पड़ता, कम हो जाता है इसमें? प्राइस एकदम फिक्स रहता, एकदम उलझन रहता। मिनिमम 10 किलो तक भी लेना ले सकते आप। और उसके अलावा भी और भी आगे पूरा ऐसा ऐसा पूरा देख सकते आप, पूरे लोग जो है यहाँ पर सुबह सुबह खरीदी करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसा नई नई फिशेस आते रहती सुबह सुबह के टाइम पे। अब ये बड़ी एकदम मच्छी है ये। और इसका भी साइज देखो, ये कौन सी है भैया? ये रोहू मच्छी है। ये कैसा है ये वाली रोहू मच्छी? 120। ये देख सकते हैं आप, एकदम बड़े साइज की रोहू मच्छी है, 120 रुपए किलो है ये। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पैदल ही आना पड़ता क्योंकि देख सकते हैं आप सुबह में इतना ज़्यादा क्राउड रहता और गाड़ी वगैरह लाने का भी यहाँ पर सिस्टम नहीं रहता, पैदल चल के ही लेना पड़ता आपको यहाँ पे पूरा। ये अलग अलग साइज़ के ऐसा आप जो ले लेते हैं, ऐसा जो क्वांटिटी में लेते हैं उन लोग ऐसा तोल लेके लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ऐसा ट्रांसपोर्टिंग भी रहता, देखो ऐसा एक एक में ऐसा डाल दे के अलग अलग साइज़ से ट्रांसपोर्टिंग भी अवेलेबल रहता, ऐसा ट्रांसपोर्टिंग भी करवा ले सकते हैं आप लोग।
अब इसके अलावा और थोड़ा आगे जाके अपन देखेंगे क्या है। अब ये जो देख रहे हैं आप कि अपने घरों का ने जो ले लेके जाके बेचते रहते ना वो उल्लोंगा रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा सुबह सुबह। अब वहाँ पे भी अपन देखे थे बाहर होजिंग का, यहाँ पर भी है वही। ये कैसा है भैया ये? हाँ भैया 350 रुपये ये भी। देखो वैसा जो खरीद लिया सब तोड़ लेते बराबरी में, और उसके अलावा जिसको अगर आप कहीं दूर दूर तक लेके जाना है तो ऐसा ट्रांसपोर्टिंग भी कर ले सकते। तो काफ़ी बड़ा मार्केट रहता है, ऐसे दो मार्केट रहते हैं आपको। एक मार्केट जो है आपको बेगम बाज़ार का रहता है, एक जो है रामनगर का रहता है। रामनगर के मार्केट को जो सुबह सुबह में 6:30-6 बजे आए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको जो फिशेस हो ना, जैसे अगर शादी है आपके पास या कोई फंक्शन वगैरह भी है जिसमें मच्छी वगैरह होना बोले तो यहाँ से आप लोग आराम से ले सकते। और यहाँ पर आपको जो है खेकड़े भी मिल जाते हैं, खेकड़े मतलब क्रैब्स, तो अब वो भी बताऊँगा मैं आपको बेहतरीन खेकड़े हैं। कैसा है भैया ये? 600 रुपये दर्जन। तो देख सकते काटेगा तो नहीं ना? हाँ ये 600 रुपये दर्जन है, ये छोटा साइज रहेगा, ये 400 रुपये दर्जन है। अब देखो ये कैसा बड़ा बड़ा है, ऐसा तोड़ के ऐसा सेल कर देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये बेहतरीन है, ये मारेगा तो नहीं ना? मारता लेता। अच्छा ये यहाँ से ऐसा पकड़ लेता है, खतरनाक है। ये कैसा है? 100 रुपये में 12 है। देख रहे हैं आप कैसा भाग रहा था उधर। अपन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक पकड़ लिया अपन, ये उंगली को काटने जा रहा था। तो ये ऐसा अलग अलग प्राइस रहता है, इधर खेकड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। ये देखो ऐसा कवर में डाल के रखे हुए उन्होंने, उसमें पूरे खेकड़े हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो अभी और थोड़ा आगे जाएंगे अपन। अब ये मरेल मच्छी है, ये कैसा है भैया? 300 रुपये किलो है ये मरेल मच्छी। ये बड़ा साइज है शायद, ये साइज़ के हिसाब से भी रहता है क्या? इसमें बड़ा छोटा साइज रहा तो अलग अलग प्राइस रहता। ये 400 रुपये में आ जाएगा, ये 300 रुपये रहेगा। इसके अलावा भी और दूसरे भी फिशेस बोले तो और दूसरे फिशेस भी मिल जाते हैं यहाँ पर। अब ये देखो कैसी बड़ी बड़ी फिश है। ये कैसा है भैया? 110 रुपये। कौन सी मच्छी है ये? रोहू मच्छी है ये, 110 रुपये किलो है। तो ऐसा पूरा दो साइड रहता, अपोजिट में भी रहता और ऐसा इधर भी रहता है पूरा मार्केट। अब ये जो है लोग खरीद लिए वो ऐसा जैसे कि अपने घर वगैरह के बाद जो बेचने वाले रहते थे उन लोग अभी ऐसा खरीद लिए और ये ले लेके ऐसा चले जाते। और रिक्शा वगैरह का भी ट्रांसपोर्टिंग अवेलेबल रहता ताकि आप लोग जो है बाहर गए तो रिक्शे में डाल लेके आराम से जहाँ पे पार्किंग है गाड़ी की वहाँ पे लेके जाके ले सकते आराम से। आप जो है इसके दूसरे साइड जाएंगे जहाँ पे मच्छी लेने के बाद कट करने वाले लोग भी रहते हैं, जो आपको घर का ने कट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब उधर जाएंगे, उनका भी प्राइस पूछेंगे और दोनों जगह की मार्केट का अपन कंपैरिजन करेंगे। आज जो है अपन यहाँ का वीडियो बना रहे रामनगर का, एक दो दिन के बाद जो है अब बेगम बाज़ार का भी करेंगे और दोनों का रेट भी आपको कंपैरिजन करके बताएंगे। कटिंग सेक्शन देख सकते हैं आप। अब जो लोग खरीदी कर लेंगे यहाँ पर जैसा कट करके घर को लेके जाते। कैसा है भैया किलो कट करने का? 20 रुपये किलो रहता। तो कितना भी लाओ क्वांटिटी भी लाओ 20 रुपये कटिंग है। ये देखो ऐसा छीलते यहाँ पे छील के कट करके देते। तो पूरा यहाँ पर देख सकते आप पूरा मार्केट ही वही रहता, जो फिश कट करके किसी को बोनलेस हो ना तो बोनलेस करके पूरा करके देते रहते और एकदम स्पीड रहता है लोगों का काम। जितनी भी बड़ी से बड़ी मच्छी रहो 10-15 मिनट में पूरी मच्छी साफ कर देते लगा। अब ये देखो आप कैसी बड़ी बड़ी मरेल है, उसको भी लोग एक बोनलेस कर देंगे 10-15 मिनट में। अब यहाँ पर इन्हों ये कर कैसा है चीचा कट करने के पैसे? 20 रुपये किलो बोनलेस करने के? अच्छा बोनलेस 30 रुपये। अच्छा नॉर्मल कट करना है तो 20 रुपये। ये देख सकते हैं आप बोनलेस के 10 रुपये बढ़ के रहते हैं और ऐसे नॉर्मल कट करने के 20 रुपये रहते हैं। अब ऐसा छोटे छोटे पीसेस भी करते जो अपने घर कने मच्छियों वाले, देखो आप घर कने मच्छी वगैरह तलते बनाते ना
और लोग हम यहीं से कट करा के आराम से ले लेके चले आते। जो डिस्ट्रिक्ट को भी भेजते तो ऐसा बर्फ तोड़ के उसमें क्रेड में बर्फ डालते, ये देख सकते आप, ऐसा क्रेड में बर्फ डाल के उसमें फिशेज डाल लेंगे, ऐसा जो है ट्रांसपोर्टिंग भी करते हैं यहाँ पे, और कवर्स वगैरह भी रहते हैं, और बहुत बड़ी मार्केट है, बेहतरीन। आप लोग यहाँ पर घूम के आप लोग आराम से यहाँ पर आके जितनी क्वान्टिटी में चाहे उतनी चीज़ मिल जाती है, और एकदम फ्रेश मिलती है यहाँ पर मछली, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली डेली आते रहती फिशेज। और उसके अलावा यहाँ पर आपको प्राउन्स भी बड़े साइज के प्राउन्स वगैरह या केकड़े होना या ऑल वेराइटीज जो फिशेस की रहती पूरी अवेलेबल रहती। सो होप यू गाइस लव दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल एमनी व्लॉग्स को। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।